तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रॉनिका की तरफ से एक वारंटी कार्ड। उसी के साथ बॉक्स कंटेंट में यहाँ पर आपको ऐसे चार स्पीकर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो हाथ में पकड़ के कुछ प्रीमियम फील आती है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी जो है वो ट्रॉनिका की तरफ से दी गई है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा जिसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, और उसके साथ आपको यहाँ पर ऑडियो वीडियो केबल मिल जाती है जिसकी क्वालिटी एवरेज है। तो चलिए बॉक्स के सबसे मेन यूनिट को हम अनबॉक्स करते हैं या फिर ओपन करते हैं। तो वो यहाँ पर है दोस्तों इसका बेस यूनिट। अब हाथ में टच करके ही आपको उसके वेट से ही उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हद तक आपको ये जो वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो वो पैक किया गया है ट्रॉनिका की तरफ से। तो घुमा फिरा के आपको पूरे बॉक्स में जो ये सब कॉन्टेंट देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इनकी फिजिकल ओवरव्यू की तरफ। सामने की तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाती है ट्रॉनिका की ब्रांडेड और साइड में दिए गए ब्लूटूथ का एक लोगो। नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ फिजिकल बटन्स और उसके साथ ये वॉल्यूम बटन। और बता देना चाहता हूँ इस वॉल्यूम में आपको ऑटोमेटिकली जो है बेस अपने आप सेटअप करके दे देता है, जो कि मुझे बात काफ़ी बढ़िया लगी है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक LED इंडिकेटर मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको एक USB पोर्ट देखने को जो है यहाँ पे मिल जाएगा। लेफ्ट और फ्रंट में दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों साइड मिल जाते हैं वाइब्रेशन फीडबैक के लिए लगाए गए दो स्पीकर्स। बैक साइड में यहाँ पर आपको ऑन ऑफ बटन और उसी के साथ यहाँ पर आपको 6 पोर्ट्स मिल जाते हैं ऑडियो वीडियो केबल के लिए विद FM रेडियो एंटीना। अब मैंने इसको 1 से 2 वीक यूज़ किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मुझे इसमें जो अच्छा लगा है वो इसकी बेस है। बेस लिटरली लीट है। अगर आप इसको एक कमरे में यूज़ कर रहे हो तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आप इसको लॉबी में या फिर एक वाइड एरिया में यूज़ कर रहे हो फिर भी डुअल बेस होने के कारण, जी हाँ, फ्रंट और लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको डुअल बेस मिलती है जिससे आपको एक बहुत अच्छा खासा वाइब्रेशन फीडबैक ये दे जाएगी इन दी प्राइस ऑफ 26 या फिर 2700 में। तो लिटरली आप इसको परचेज कीजिए गाइज, फुली रिकमेंडेशन है मेरी। और ट्रूली इंडियन ब्रांड है ट्रॉनिका। कुछ भी यहाँ पर वैसा नहीं है कि जो बोलते हैं मेड इन इंडिया, लेकिन 90% ऑफ सामान चाइना से एक्सपोर्ट करवाया होता है। आप जब इसको परचेज करोगे, जब फील करोगे, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि हाँ यार ये बिल्ट इन इंडिया है। तो मेन फैक्टर रहेगा ये कुछ उन लोगों के लिए जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे खासे पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर करो। एक छोटा सा कोन मुझे इसमें लगा कि इसकी जो साउंड है वो थोड़ी सी कम है। कई लोगों के लिए कम हो सकती है लेकिन मेरे लिए काफ़ी एफिशिएंट है क्योंकि मुझे बेस चाहिए थी। अगर आपको बेस चाहिए तो डेफिनेटली जाइए। इनके एक अनदर वेरियंट है जिनका प्राइस सेगमेंट तकरीबन 2000 पे आता है और वो एक इनकी न्यू सीरीज है 2018 की। हालांकि ये सीरीज इनकी पुरानी सीरीज है लेकिन वो रिपब्लिक सीरीज है। 2000 के अंदर आपको 5.1 मल्टीमीडिया स्पीकर्स दे रहे हैं सभी फीचर्स के साथ। इनके पास वो यूनिट नहीं था, डैट्स पर मैंने उसको नहीं मंगवाया, लेकिन आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देख के मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद हूँ। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज लिटरली बहुत अच्छा है यार, ब्लूटूथ मिल रहा है आराम से स्मार्टफोन के साथ, आप इसको चला पाओगे। होप्स आपको इस वीडियो को देख के मज़ा आया, पसंद किया है। डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, अपने सजेशन दे दीजिए। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।